आर्टिकल 370 और 35 ए पर मोदी सरकार का खुला समर्थन करके सोनिया गांधी की आंखों की किरकिरी बने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर पार्टी लाइन तोड़कर नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन कर दिया। पूरी कांग्रेस इस बिल को संविधान विरोधी बता रही है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा कि ये बिल संविधान के विपरीत है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन इसमें भारत की वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा और सभ्यता है। सिंधिया यही नहीं रुके, उन्होंने कहा विभाजन देशों का तो पहले भी हुआ, लेकिन धर्म के आधार पर ये पहली बार है। मैं तो मानता हूँ कि ये भारतीय संस्कृति के आधार पर है। उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ जो भारत की विचारधारा है और सभ्यता है सभी को साथ लेकर चलने की है। इस अध्यादेश में भी धर्म और राज्य को साथ लेकर चलने की बात है। सिंधिया ने दूसरे बड़े मुद्दों पर कांग्रेस से अपनी असहमति जताई है। धारा 370 को कांग्रेस संविधान विरोधी और न जाने क्या क्या बताती रही थी, लेकिन सिंधिया ने उसका समर्थन किया था। अब कांग्रेस सिंधिया के खिलाफ कौन सा कदम उठाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि सिंधिया राहुल और प्रियंका की पसंद के और करीबी नेता हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने उन्हें किनारे लगा रखा है।